हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल द CMA एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस के बारे में। टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस का हमारा ये सेकेंड लेक्चर है। पहले हमने प्रोस्पेक्टस के सारे इंट्रो पार्ट कवर कर लिया था। आज हमें टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस पढ़ना है। इसको आज हम अच्छे से फिनिश कर देंगे टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस का। तो कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस होते हैं? चार टाइप्स के होते हैं, एवरेज प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ये चारों टाइप्स के प्रोस्पेक्टस को हम समझेंगे भी और अच्छे से लिखेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। पहला है हमारा एवरेज प्रोस्पेक्टस। एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एवरेज प्रोस्पेक्टस, इसको मैं अगर समझाऊं तो आप ये समझ लीजिए कि एवरेज प्रोस्पेक्टस मीन समरी ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस का समरी होता है, समरी ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या होता है, जैसे कि कोई कंपनी अपना शेयर इशू करना चाहती है, कोई कंपनी अगर अपना शेयर इशू करना चाहती है तो वो क्या करेगी कि वो जो इन्वेस्टर है, जो अपने पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है इस कंपनी में, तो वो क्या करेगा कि वो इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस पढ़ेगा नहीं। मतलब प्रोस्पेक्टस होता है A4 साइज़ का, ठीक है, A4 साइज़ का प्रोस्पेक्टस होता है और उसको पढ़ना होता है। तो कंपनी जो इन्वेस्टर होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़े। तो कंपनी क्या करती है, जो कंपनी इशू करती है एवरेज प्रोस्पेक्टस, वो क्या करती है कि जब हम कंपनी के शेयर खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे एक एवरेज प्रोस्पेक्टस होता है, जो समरी होता है प्रोस्पेक्टस का समरी होता है, वो वहाँ पे बताता है कि इस प्रोस्पेक्टस में क्या है, हमारी कंपनी का नाम क्या है, कंपनी में कितने शेयर हैं, कितने मेंबर हैं, कितने डायरेक्टर हैं, ये सब ये प्रोस्पेक्टस शो करता है। तो क्या होता है प्रोस्पेक्टस, क्या होता है समरी ऑफ प्रोस्पेक्टस कहलाता है, ठीक है। तो आगे क्या है कि एवरेज प्रोस्पेक्टस मीन अ मेमोरेंडम कंटेनिंग सच साइलेंट फीचर ऑफ अ प्रोस्पेक्टस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बाय मेकिंग रेगुलेशन इन दिस बिहाफ Section 2 Clause 1। तो Section 2 Clause 1 डिफाइन क्या करता है कि इट इज़ अ ब्रीफ, क्या है ये ब्रीफ, इट इज़ अ ब्रीफ वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन इन द प्रोस्पेक्टस। क्या कहता है Section 2 Clause 1, ये ब्रीफ है इंफॉर्मेशन किसका, प्रोस्पेक्टस का। सो दैट कॉस्ट ऑफ पब्लिक इशू ऑफ अ कैपिटल में भी रिड्यूस। इसका क्या है, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है कि जो कॉस्ट है पब्लिक इशू में उसकी वो रिड्यूस हो, कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हो वो रिड्यूस हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हो वो रिड्यूस हो जब हम पब्लिक को इशू कर रहे हैं, क्या प्रोस्पेक्टस, जो हम प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू कर रहे हैं उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हो रिड्यूस हो, वो होता है हमारा एवरेज प्रोस्पेक्टस। और ये ब्रीफ है जिसे मैंने बताया ना, समरी है ये प्रोस्पेक्टस का, वो ये कॉस्ट रिड्यूस करते हैं जब पब्लिक में हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, ठीक है। तो आगे क्या बोलता है कि Section 33 Clause 1 स्टेट दैट एवरी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द परचेज ऑफ एनी ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी शुड बी अकम्पाइंड बाय एन एवरेज प्रोस्पेक्टस, हाउएवर द फुल प्रोस्पेक्टस इज टू बी मेड अवेलेबल टू अ पर्सन हु मेक अ रिक्वेस्ट टू बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट इफ़ अ कंपनी वॉयलेट द दिस प्रोविजन इफ़ अ कंपनी वॉयलेट दिस प्रोविजन इट शेल बी पनिशेबल विथ फाइन ऑफ 50,000 rupees फॉर ईच डिफॉल्ट। अगर कंपनी कोई भी प्रोविजन का वो डिफॉल्ट करती है तो 50,000 rupees हर एक डिफ़ॉल्ट पे वो फाइन करे जाएगा। कौन करेगा, ये जो वॉयलेशन अथॉरिटी, चाहे वो सेबी करे या ROC करे, दोनों में से कोई से भी इसका फाइन में पनिशेबल कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सेप्शंस क्या है यहाँ पे हमारे एवरेज प्रोस्पेक्टस में, एक्सेप्शंस क्या है, देयर आर हाउएवर सर्टेन एक्सेप्शन टू द अबव प्रोविजन वेयर एन एवरेज प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग ऑल द प्रिस्क्राइब डिटेल नीड नॉट बी अकम्पनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सेंट आउट। क्या है दीज एक्सेप्शंस,
इन केस ऑफ बोनाफाइड अंडरराइटर एग्रीमेंट, अगर कोई बोनाफाइड अंडरराइटर एग्रीमेंट है तो एक्सेप्शंस है यहाँ पे। व्हेन शेयर और डिवेंचर आर नॉट ऑफर टू पब्लिक इन रिलेशन टू राइट इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर और डिवेंचर सिमिलर टू द दोज ऑलरेडी इशूड एंड डिटेल्स इन ऑन अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस हमने पढ़ लिया, अब आते हैं सेल्फ प्रोस्पेक्टस। सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? सेल्फ प्रोस्पेक्टस जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 31 में, क्या है सेक्शन 31 में इसे डिफाइन किया गया है। क्या होता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस? द टर्म ऑफ सेल्फ प्रोस्पेक्टस एज अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूड देयर इन और इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इशूअर। क्या होता है ये? ये वो सब्सक्रिप्शन है, ये वो प्रोस्पेक्टस है जो एक या एक से ज़्यादा सब्सक्राइब किया जाए अ सर्टेन पीरियड विदाउट द इशू ऑफ अ फर्दर प्रोस्पेक्टस एनी क्लास और क्लास ऑफ कंपनी एज अ सेबी में प्रोवाइड बाय रेगुलेशन इन दिस बिहाफ ऑफ मे फाइल अ सेल्फ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयर इन विच शैल बी इंडिकेट पीरियड नॉट एक्सीडिंग वन ईयर एज अ पीरियड वैलिडिटी ऑफ सच प्रोस्पेक्टस विच शैल बी कॉमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज अंडर दैट प्रोस्पेक्टस एंड रिस्पेक्ट ऑफ अ सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ सच सिक्योरिटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ दैट प्रोस्पेक्टस नो फर्दर प्रोवाइड प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड। अब मैं आपको ये समझाऊँगा, ये जो पूरी बात मैंने आपको बताई है मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या कहलाता है। पहले इसको हम रीड कर लेते हैं एक बारी, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है? अ कंपनी फाइलिंग अ सेल्फ प्रोस्पेक्टस शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल एन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग। ये भी क्या होता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। एक बात आपको, दूसरी बात ये है, पहली बात कि ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है, ठीक है। दो बात मैंने आपको बतानी है। All material fact relating to new charge create change in the financial position of the company as have occurred between the first offer of securities or previous offer of securities and succeeding offer and other prescribed changes with the registrar within the prescribed time prior to the issue of a second and subsequent offer of the securities under such prospectus where a company or any other person has received application for allotment of securities along with an advance payment or subscription before the making of any such changes of a company or other person shall intimate the changes to such applicant if they express desire to withdraw their accompanied application of the company or the other person shall refund all the monies received as subscription within 15 days. Where information of memorandum is a file, every time an offer of securities is made aforesaid, such memorandum together with a self prospectus shall be deemed to be prospectus. अब मेरे को आपको बताना है कि memorandum of information क्या कहलाता है और ये self prospectus क्या कहलाता है। तो एक ये बताना है और दूसरा ये बताना है, तो चलिए पहले हम इसे जान लेते हैं। तो चलिए आ जाइए हम इसको जानते हैं कि क्या कहलाता है। जैसे कि ये एक टाइम पीरियड है, ठीक है, ये टाइम पीरियड है, ठीक है, ये टाइम पीरियड है। ये हम लोगों ने सेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में जान रहे हैं, किसके बारे में जान रहे हैं, सेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में, सेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में हम जान रहे हैं, ठीक है। मान लो जनवरी में हमने इसे इशू किया, ठीक है, जनवरी 17 में हमने इसको इशू कर दिया, किसको, सेल्फ प्रोस्पेक्टस को, यहाँ पे हम लोगों ने इसे इशू कर दिया, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है, एक साल के लिए, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है इसका टाइम पीरियड होता है वन ईयर के लिए, इसका ये टाइम पीरियड होता है,
ठीक है, इसका टाइम पीरियड होता है 1 ईयर का। मतलब अगर हम यहाँ पे इसे इशू कर रहे हैं, अगर हम इसे यहाँ पे इशू कर रहे हैं, इसका टाइम पीरियड कितना होगा? इसका टाइम पीरियड होगा जनवरी 18 तक इसका एंडिंग होगा एक साल में। ठीक है, जनवरी 18 तक इसका एंडिंग होगा। अब क्या बोलता है कि ये हो गया, इस दौरान में हम कितनी बार भी हम अपना सेल्फ प्रोस्पेक्टस को हम इशू करके, देखो पहली बात मैं बताता क्या हूँ, सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता क्या है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब ये है कि अगर हम किसी कंपनी से बार बार लोन या किसी पब्लिक से हम बार बार पैसा इकट्ठा करते हैं, पब्लिक से हम बार बार पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें बार बार ROC, SEBI और MCA के गाइडलाइन और रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस से हमें क्या मदद मिलता है, कि ये अगर हमने एक बार इशू कर दिया, इसे अगर हम लोगों ने एक बार इशू कर दिया तो बार बार SEBI से और MCA और ROC से इन लोगों से हमें बार बार अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम लोगों ने इसे इशू कर दिया इस चीज़ को, तो हम दोबारा मतलब बार बार इसको हम इनसे हम अप्रूवल नहीं लेंगे इनसे हम बार बार अप्रूवल नहीं लेंगे अगर हम लोगों ने इसे इशू कर दिया एक बार तो। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इसका टाइम पीरियड एक साल तक के लिए है। क्यों कहा गया एक साल तक के लिए? अगर कोई कंपनी जिसको बार बार फंड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे एक फ़ंड ले लिया, यहाँ पे फ़ंड ले लिया, मान लो यहाँ पे मार्च में ले लिया और यहाँ पे जुलाई में ले लिया, सितंबर में और अक्टूबर में ले लिया, इन 4 महीनों में इन्होंने फ़ंड वहाँ से रेज कर लिया। मान लो अगर वो लोग सेल्फ प्रोस्पेक्टस की बजाय कोई और प्रोस्पेक्टस यूज़ करते, ठीक है, और ये लोग अगर यहाँ पे अगर ये लोग लेते यहाँ यहाँ पे अगर ये फ़ंड लेते पब्लिक से, तो यहाँ पे उनको वो तीनों जगह से अप्रूवल लेना पड़ता। कहाँ से? SEBI से, हमारा ROC से और MCA से, ये तीनों जगह से हमको अप्रूवल लेना पड़ता, उनकी गाइडलाइंस लेनी पड़ती, उनके रूल्स फॉलो करने पड़ते। तो इसलिए सरकार ने क्या करा कि एक बार ही इन्होंने सेल्फ प्रोस्पेक्टस बना दिया और उन्होंने कहा कि एक साल तक की तुम्हारी वैलिडिटी पीरियड है, तुम जितनी बार चाहो तुम लोग फंड ले सकते हो पब्लिक से। ठीक है, ये हो गया सेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब एक पॉइंट आता है कि मेमोरेंडम इन्फॉर्मेशन क्या कहलाता है। इसका मतलब ये है, मान लो इस बीच दौरान कोई चेंजेस आ जाती हैं इनके में, कोई मटेरियल फैक्ट चेंजेस आ जाता है, कोई बड़ा बदलाव आता है, कोई मटेरियल फैक्ट चेंजेस आ जाता है, तो कंपनी कैसे इंटीमेट करेगी लोगों को? इसके द्वारा, मेमोरेंडम इन्फॉर्मेशन के द्वारा कंपनी इंटीमेट करेगी पब्लिक को, मेंबर को, जो उसके सब्सक्राइबर हैं उनको ये इंटीमेट करेगी मेमोरेंडम इन्फॉर्मेशन के द्वारा। चलो एक बार फटाफट सम अप करते हैं, क्या होता है ये। कंपनी जो कहती है एक साल का इसका पीरियड होता है, वन ईयर पीरियड होता है इसका, एक साल तक ये प्रोस्पेक्टस रहता है। जैसे कि रिचार्ज कूपन होता है एक, जैसे कि हम लोगों ने किसी मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं ना, तो मोबाइल के जो कूपन मिलता है हमें, रिचार्ज कूपन, बेसिकली अब तो नहीं मिलता है, अब तो सारा ऑनलाइन हो गया, बट पहले जो मिलता था, मान लो हम लोगों ने 100 रुपये का कूपन ले लिया, तो उसके लिए कुछ 1 महीना या 1.5 महीने तक का टाइम लिमिट होता है ना, वैसे कंपनियों में ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस जो है उसके लिए एक साल का जो टाइम है वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस में कहलाता है कि एक साल में तुम कितनी बार भी तुम फंड जनरेट करोगे, जितनी बार तुम फंड मंगाओगे, उसके लिए तुम्हें कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस। और अगर हमें कोई बड़ा बदलाव आ गया तो हम क्या करेंगे, तो मेमोरेंडम इन्फॉर्मेशन के द्वारा हम अपने सारे जो चेंजेस आए हैं वो हम इंटीमेट करेंगे अपने शेयर होल्डर के साथ, या जिनसे हमने मनी लेंडर का, जिनसे हमने मनी लिया है।
ठीक है। अब आता है हमारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या आता है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या कहलाता है वो जानते हैं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है? रेड हेरिंग का मतलब है कि, रेड हेरिंग का मतलब क्या पड़ा? रेड हेरिंग से आप क्या समझते हैं? रेड हेरिंग को हम लोगों ने, रेड हेरिंग क्यों रखा गया? रेड हेरिंग क्यों रखा गया, इसका नाम ये क्यों पड़ा? जब हम किसी मछली को तलते हैं, तलने के बाद वो रेड रेड से हो जाती है ना, हल्की 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 ब्राउन और रेड हो जाती है, उसी के नाम पर ये पड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी खतरे से आपको हटा किसी दूसरी जगह पे, आपको किसी ऐसी जगह जाना जिससे आपको वो दिखाना कि हाँ ये चीज़ है, इसलिए रेड अलर्ट करना, ये होता है रेड हेरिंग का मतलब। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि इसमें ये क्या बताया गया है। द एक्सप्लेनेशन सेक्शन 32। सेक्शन 32 क्या एक्सप्लेन करता है? कि डिफाइन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एज अ प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीटेड पर्टिकुलर ऑफ अ क्वांटम और प्राइज। इसमें क्या इंक्लूड नहीं किया जाता? क्वांटम और प्राइज। इसमें क्वांटम और प्राइज इंक्लूड नहीं किया जाता ऑफ द सिक्योरिटीज इंक्लूड देयर इन। क्या बोलता है कि इसमें क्वांटम और प्राइज इंक्लूड नहीं किया जाता। चलो आओ समझाता हूँ मैं आपको। इसमें क्या है, इसमें हम रेड हेरिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, दो चीज़ इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्या क्या? क्वांटम प्राइस। क्वांटम और प्राइस। क्वांटम मतलब क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी और प्राइस इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, इसमें क्वांटिटी और में क्वांटम, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्वांटम और क्वांटम और प्राइस इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, अगर आप लिखोगे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मीन सेक्शन 32 क्लॉज, सेक्शन 32 डिफाइन करता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन 32 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन डज नॉट कंटेन क्वांटम एंड प्राइस। क्वांटम मतलब क्वांटिटी, इसमें ये इंक्लूड नहीं किया जाता और इसमें ये भी इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, चले आगे बढ़ें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 32 प्रोवाइड दैट कंपनी प्रपोजिंग टू मेक एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटी में इशू अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस प्रायर टू द इशू ऑफ अ प्रोस्पेक्टस द सेम शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एट द लीस्ट 3 days प्रायर ऑफ द टू द ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड द ऑफर। इट शैल कैरी द सेम ऑब्लिगेशन आर अप्लीकेबल टू प्रोस्पेक्टस एंड एनी वेरिएशन बिटवीन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड अ प्रोस्पेक्टस शैल बी हाईलाइटेड एज अ वेरिएशन ऑफ इन द प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अब आगे क्या है कि एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ ऑफर द प्रोस्पेक्टस स्टेटिंग द टोटल कैपिटल रेज वेदर बाय वे ऑफ डेब्ट और सिक्योरिटी। जितनी भी कैपिटल हमें कलेक्ट की गई है, चाहे वो डेट से हो चाहे वो शेयर कैपिटल से हो, एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड मे एंड एनी अदर डिटेल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, जो भी कैपिटल, जितनी भी टोटल कैपिटल जितनी रेज हुई है, चाहे वो डिबेंचर से आई हो या शेयर कैपिटल से आई हो, और उस दिन की क्लोजिंग प्राइस हो जिस दिन हमारा सिक्योरिटीज बंद हुआ है, ठीक है, उस दिन की क्लोजिंग प्राइस और कोई और भी डिटेल्स, वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। शेल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार और सेबी। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म क्या है? सेक्शन 33 क्लॉज 1 क्या बोलता है
कि प्रोवाइड दैट नो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर द परचेज ऑफ एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी शैल बी इशूड अनलेस सच फॉर्म इज अकम्पाइंड बाई एवरेज प्रोस्पेक्टस. ठीक. अब आते हैं कि प्रोवाइड क्या करता है. प्रोवाइड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल बी अप्लाई इन शोन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन इशूड इन कनेक्शन विद अ बोनाफाइड इनवाइटिंग पर्सन टू इंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ सच सिक्योरिटीज इन रिलेशन टू सिक्योरिटीज विच आर नॉट ऑफर टू द कंपनी. ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है. अब आते हैं कि सेक्शन 33 क्लॉज 2 क्या बोलता है. कुछ पॉइंट्स है इसमें. प्रोवाइड दैट अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस शैल बी रिक्वेस्ट बींग मेड बाई एनी पर्सन बिफोर द क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड द ऑफर ऑफ फर्निश टू हिम. सेक्शन 33 क्लॉज 3 क्या बोलता है कि इफ़ अ कंपनी मेक एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन इट शैल बी लाइबल फॉर पेनल्टी 50,000. अगर कोई कंपनी इस सेक्शन में कोई प्रोविजन को कंप्लाई नहीं करती है और डिफॉल्ट करती है तो 50,000 रुपये तक वो इस डिफॉल्ट के लिए लाइबल हो जाएगी पेनल्टी में. ठीक है. अगर कोई कंपनी इस सेक्शन में कोई डिफॉल्ट करती है प्रोविजन को कंप्लाई नहीं करती है तो वो पेनल्टी जो वो लाइबल हो जाएगी पेनल्टी देने के लिए 50,000 रुपये फॉर ईच डिफॉल्ट. ठीक है. अब आते हैं कि डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है. डीम्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब ये है कि सेक्शन 25 क्लॉज 1 क्या बोलता है. वेयर अ कंपनी अलॉट और एग्री टू अलॉट एनी शेयर और डिवेंचर टू इशू हाउस. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इशू हाउस इसी पर सारा केस बनेगा. विथ अ व्यू टू ऑफर देम एज सेल टू पब्लिक देन एनी डॉक्यूमेंट बाई विच ऑफर इज मेड डीम टू बी अ प्रोस्पेक्टस इशूड बाई कंपनी. समझाऊंगा इसको क्या बोलते हैं इनको. ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या है. चलो अभी जो ये मेरे नोट्स हैं ये नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं तो यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है. टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस देख लिया. पहला सेल्फ प्रोस्पेक्टस जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में ऐड आता है कि अगर कोई चेंजेस आती हैं कंपनी में मटेरियल चेंजेस आता है तो ये इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के द्वारा हम भेज सकें. ठीक है. सेल्फ प्रोस्पेक्टस में ये है. फिर आता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन 32 डीम्ड प्रोस्पेक्टस और एवरेज प्रोस्पेक्टस. ठीक है. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होती है. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब है कि ये बुक बिल्डिंग प्रोस्पेक्टस है. क्या होती है ये बुक बिल्डिंग प्रोस्पेक्टस है. कौन सी प्रोस्पेक्टस है ये कौन सा प्रोस्पेक्टस है. ये बुक बिल्डिंग प्रोस्पेक्टस है. ठीक है. जब कोई कंपनी करती है क्या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जब कोई कंपनी करती है उसे जब हम उसे बुक बिल्डिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं. जैसे कैसे. जैसे एक एक्स लिमिटेड कंपनी है उसने सेबी को फर्स्ट अप्रोच करके ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज में भी करेगी और आरओसी में भी करेगी. ठीक है. उसे हम बुक बिल्डिंग कहते हैं जब कोई कंपनी करती है तो. ठीक है. अब आते हैं कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है. शॉर्ट बताऊँ तो ये प्राइस है और ये क्वांटम मतलब क्वांटिटी नॉट इंटीमेट. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में न तो प्राइस दिखाता है न क्वांटम दिखाता है. क्वांटम मतलब क्वांटिटी बताता है. ये मेंशन नहीं होता. ये सब मेंशन नहीं होते. ठीक है. अब आते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या है. डीम्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब जो सेक्शन 25 में बताया गया है. ठीक है. मान लो एक कंपनी है ये कंपनी है. ठीक है. ये कंपनी है इसने अपने शेयर अलॉट किए और एग्री टू अलॉट किए. अलॉट भी किए इशू भी किया और एग्री टू इशू भी कर दिया. ठीक है. अलॉट कर दिया. चलो इन्होंने अलॉट कर दिया इशूइंग हाउस ये है. ठीक है. इशूइंग हाउस को इन्होंने क्या किया. इशूइंग हाउस को इसलिए अलॉट किया एग्री टू अलॉट किया
इसलिए इन्होंने एग्री टू अलॉट किया, क्योंकि अगर ये खुद करते हैं तो इनको रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, MCA की और SEBI की और ROC की भी कर सकते हैं। सेक्शन 26 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि सभी तुम्हें कंडीशंस अप्लाई करना पड़ेंगे अगर तुम खुद अलॉट करते हो शेयर, ठीक है। अगर तुम एग्री टू अलॉट करते हो तब भी तुम्हें रेगुलेशन तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन उसे बचने के लिए कंपनी ने एग्री टू अलॉट कर दिया तो जो इशू हाउस होता है ये अलॉट करवाता है शेयर, जो ये इशू हाउस होता है ये एग्री टू अलॉट कराता है, ये अलॉट कराता है किसको, पब्लिक को अलॉट कराता है, पब्लिक को अलॉट कराता है। क्या जो ये इशू हाउस है जो डॉक्यूमेंट या ऑफर करेगी किसको, पब्लिक को, उस डॉक्यूमेंट और ऑफर को हम कहते हैं डीम्ड प्रॉस्पेक्टस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जो इशू हाउस डॉक्यूमेंट या ऑफर पब्लिक को देगी उस डॉक्यूमेंट या ऑफर को हम कहेंगे डीम्ड प्रॉस्पेक्टस। क्या कहेंगे, डीम्ड प्रॉस्पेक्टस, वो कंपनी के लिए क्या माना जाएगा, डीम्ड प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। ये कहलाता है डीम्ड प्रॉस्पेक्टस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रिजम्पशंस भी हैं। क्या अजम्पशंस है भाई, कि अगर इशू हाउस करती है क्या ऑफर या डॉक्यूमेंट शेयर करती है पब्लिक को, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, छः महीने के अंदर हमें वो शेयर इशू करने पड़ेंगे पब्लिक को। मान लो मेरी कंपनी है, कंपनी ने क्या किया, खुद अलॉट भी कर रही है या एग्री टू अलॉट कर रही है, मतलब वो खुद शेयर इशू कर रही है और दूसरे को भी, या एग्री टू शेयर इशू कर रही है। एग्री टू शेयर इशू में क्या होगा कि वो किसी इशूइंग हाउस को अपने शेयर दे देगी, उसको बोलेगी भाई ये लो तुम शेयर इशू करो, ठीक है। ऐसे कंपनी क्यों करेगी, ऐसे कंपनी इसलिए करेगी क्योंकि उसे सारे रूल एंड रेगुलेशन जो SEBI के हैं, MCA के या ROC के हैं उसको वो नहीं मानने पड़ेंगे, वो लॉ से बच के वो इशू करना चाहती है, लॉ से बच के वो इशू करना चाहती है। इसलिए कंपनी क्या करती है, वो इशूइंग हाउस को अपने शेयर दे देती है। अब इशू हाउस जो डॉक्यूमेंट या ऑफ़र करेगी उस डॉक्यूमेंट या ऑफ़र को हम डीम्ड प्रॉस्पेक्टस मान लेंगे कंपनी के लिए, डीम्ड प्रॉस्पेक्टस मान लेंगे हम कंपनी के लिए, ठीक है। अब क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो इशूइंग हाउस है उसे विदिन 6 महीने के अंदर में ऑफ़र करना पड़ेगा या सेल करना पड़ेगा, ऑफ़र फॉर सेल। इशूइंग हाउस मेक एन ऑफ़र फॉर सेल विदिन सिक्स मंथ और ऑन द डेट ऑफ ऑफ़र of issue house whole consideration in respect of securities had not received by company, और जो भी on the date of offer date पे जो भी issuing house है पूरा consideration in respect of securities had not received of by the company, जब तक issuing company या issuing partner जो भी firm होगी जिसने भी उसे issue किया है, चाहे वो company चाहे वो partner हो, ठीक है, जिसने भी उसे issue किया है पूरा कंसिडरेशन अभी तक कंपनी ने से रिसीव नहीं किया तब तक वो नहीं माना जाएगा कंपनी की, उन्होंने ये इशू करवाया डीम्ड प्रॉस्पेक्टस तब तक नहीं माना जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि मान लो अगर वो विद इन 6 महीने में करती है तो आफ्टर सिक्योरिटीज वेयर टू हिम, दूसरा एग्री टू अलॉट, मैंने भी वही बताया जो अभी आपको ऊपर बताया मैंने आपको, ठीक है, जो इन्होंने लिखा वो यहाँ भी बताया गया। कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स हैं कि अगर कोई इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट क्या रिलेटिंग टू डीम्ड प्रॉस्पेक्टस, अगर कोई कंपनी डीम्ड प्रॉस्पेक्टस किसी इशूइंग ऑफिस हाउस को देती है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहला, मिस स्टेटमेंट प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएगा उसके ऊपर, मिस स्टेटमेंट प्रोविजन्स के ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा, और जो इशूइंग हाउस है ऑन लाइबल हो जाएगा उसके ऊपर, चाहे सिविल या क्रिमिनल, सिविल लाइबिलिटी लग जाएगी या क्रिमिनल लाइबिलिटी लग जाएगी, ये दोनों क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे। अगर कोई इशूइंग हाउस इशू कर रही है तो वो उसकी लाइबिलिटी खुद मान ली जाएगी और वो सिविल हो जाएगा और उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी भी लग जाएगी, ठीक है। एवरेज प्रॉस्पेक्टस के बारे में मैंने आपको बताया दिया, एक शॉर्ट फटाफट रिविजन करा देता हूँ। एवरेज प्रॉस्पेक्टस डिफाइन सेशन 2 क्लॉज 1 में और सेशन 33 क्या बोलता है कि एवरेज प्रॉस्पेक्टस एंड द शेयर एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी बियर द सेम प्रिंटेड नंबर, और डिफाइन क्या करता है
कि एवरेज प्रोस्पेक्टस मीन मेमोरेंडम कंटेनिंग साइलेंट फीचर ऑफ अ प्रोस्पेक्टर प्रिपेयर एज पर फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाई सेबी. वेन एवरेज प्रोस्पेक्टस नॉट रिक्वायर्ड, कब एवरेज प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड नहीं होगा, कि एप्लीकेशन फॉर्म इज इशूड टू इन्वाइट पर्सन टू इंटर अंडर एग्रीमेंट. एप्लीकेशन का भी जरूरत नहीं होगा एवरेज प्रोस्पेक्टस का, जब कोई व्यक्ति एप्लीकेशन इशू कर रहा हो अंडर राइटिंग एग्रीमेंट में अगर कोई व्यक्ति एप्लीकेशन इशू कर रहा है तो वहाँ पे एवरेज प्रोस्पेक्टस का यूज नहीं किया जाएगा. दूसरा, इन रिलेशन टू सिक्योरिटीज़ विच आर नॉट बी ऑफर्ड टू पब्लिक, कुछ ऐसे सिक्योरिटीज़ हैं जो हम पब्लिक को इशू नहीं कर सकते, वो वहाँ पे भी एवरेज प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना है. अब कुछ कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस हैं, क्या क्या है, ये चीज़ें जो हैं ये अप्लीकेबल नहीं होती. ये अर्लियर प्रोविज़न है, ये न्यू प्रोविज़न है, ये अर्लियर प्रोविज़न है, ये न्यू प्रोविज़न है. क्या है कि सेक्शन 26 बोलता है कि एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, कुछ सेबी वो सेबी बताया कौन कौन से रेगुलेशन और कौन कौन से इन्फॉर्मेशन लगनी चाहिए. सेक्शन 26 में बताता है, ये जो मैंने आपको बताया विद इन 6 मंथ होना चाहिए, और मिस स्टेटमेंट प्रोविज़न लग जाता है. न्यू प्रोविज़न क्या है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट सिक्योरिटीज रूल, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट्स सिक्योरिटीज रूल 3, 4, 5, 6 ये अब हट गए हैं. ये जो चीज़ें हैं अब ये हट गई हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये अप्लीकेबल नहीं होती. पहले क्या थी, डिस्क्लोजर था, रिपोर्ट टू बी इंक्लूड एंड डिक्लेरेशन अबाउट कंपनीज के बारे में देना था, लेकिन अब ये भी हट गया और ये भी हट गया. ये अमेंडमेंट का बात है, 7 मई 2018 को आया था. ठीक है, क्या है कि जो ओमिटेड क्या है, सेक्शन 26 में रूल 3, 4, 5 एंड 6 ये ओमिटेड हैं, कंपनीज अमेंडमेंट 2017 के. ठीक है, उसके बाद क्या है कि सेबी जो है ICDR 2009 फॉलो सेबी एग्जिस्टिंग रेगुलेशन डिस्क्लोजर, एंड सेबी ने क्या किया कंसल्ट रेगुलेट फ्रेम में भी अपने लगाए हैं. अब हम पढ़ते हैं कि लायबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट क्या है. लायबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट क्या है कि सिविल लायबिलिटी जो बताता है सेक्शन 35 में, नो इंटेंशन, कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं कि वो लायबिलिटी या मिस स्टेटमेंट करे. क्रिमिनल लायबिलिटी, इंटेंशन टू मिस स्टेटमेंट, उसका इंटेंशन है कि वो मिस स्टेटमेंट करे. क्लास ऑफ एक्शन और कंपनसेशन डैमेज सेक्शन 37 बोलता है, चाहे वो शेयर होल्डर हो चाहे वो डिपॉजिटर हो. ठीक है, अब क्या है कि क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट हु इज लायबल टू पनिश्ड, कौन लायबल होगा पनिश्ड के लिए. एवरी पर्सन हु ऑथराइज इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस विद मिस स्टेटमेंट लायबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447. जो भी व्यक्ति ऑथराइज है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के लिए या मिस स्टेटमेंट कर रहा है तो वो लायबल होगा और वो फ्रॉड माना जाएगा 447 में. उसका सारा कितने उसको फाइन देना पड़ेगा, साथ ही साथ उसको जेल भी हो जाएगी. वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है ये वेरी इंपॉर्टेंट में, नॉट लायबल कौन कौन, सच स्टेटमेंट और ओमिशन वॉज इन इमेटेरियल या ही हैड रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव सच इन्फॉर्मेशन, ये लोग लायबल नहीं होंगे. ये केस स्टडी मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आ जाओ सिविल लायबिलिटी क्या है. सिविल लायबिलिटी, हु इज़ अ लायबल, कंपनी डायरेक्टर प्रोमोटर एक्सपर्ट, कंसेंट गिवन टू बी डायरेक्टर एंड प्रोस्पेक्टस वॉज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट, वो सब लायबल हो जाएंगे. ठीक है, प्रोस्पेक्टस इशू डायरेक्टर नो नॉलेज या नॉलेज और अवेयरनेस एंड पब्लिक नोटिस इट वॉज इशूड विदाउट हिज नॉलेज एंड कंसेंट. और डिफेंस अवेलेबल क्या क्या है कि अमेंडमेंट है कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 में सेक्शन 35 क्लॉज टू क्लॉज सब क्लॉज सी में, फर्स्ट पॉइंट, पर्सन विल नॉट बी लायबल रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव इन ट्रूथफुलनेस ऑफ अ स्टेटमेंट कंप्लीटनेस प्लस नॉट विथड्रॉ. दूसरा क्या है कि डायरेक्टर कंसेंट प्लस विथड्रॉ हिज कंसेंट बिफोर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस प्लस इशू विदाउट कंसेंट, ये हमारा सिविल लायबिलिटी के बारे में था.
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। कुछ केस स्टडीज़ के बारे में, कुछ केस स्टडीज़ हम पढ़ेंगे जो केस स्टडीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से। चलिए, थैंक यू सो मच।